बहुत टेस्टी और डिलीशियस कस्टर्ड है ये, वो भी बिना कस्टर्ड पाउडर के इसे मैंने बनाया है। तभी सीक्रेट कस्टर्ड की रेसिपी जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया और स्वागत है प्रिया के जायके में। कस्टर्ड हम सबका ऑल टाइम फेवरेट डेजर्ट है। आज हम इस वीडियो में होममेड कस्टर्ड पाउडर बना करके कस्टर्ड बनाएंगे। इसे मैंने बहुत ही कॉमन चीज़ों से बनाया है जो हमारे किचन में हमेशा रहता है। यकीन मानिए, इस तरीके से आप कस्टर्ड बनाएंगे तो बाज़ार से लाकर कस्टर्ड बनाना भूल जाएंगे। कस्टर्ड मिक्स बनाने के लिए हमें चाहिए 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और अमूलिया पाउडर। हमारा ड्राई मिक्स रेडी है। अब अपना मिल्क हम बॉईल करेंगे। इन दोनों चीजों को अच्छे से मिला लें। अब इंस्टेंट कस्टर्ड पाउडर में हम 1 कप मिल्क डाल करके एक घोल तैयार कर लेंगे। अच्छे से मिला लें जिसमें इसमें कोई लम्स ना रहे। एक कढ़ाई मैंने करीब 1 लीटर दूध लिया है और इसे अच्छे से बॉईल कर लिया है। कोई भी भारी बर्तन में आप दूध को बॉईल कर लें और थोड़ा सा इसमें येलोइश कलर आने के लिए आप पिंच ऑफ हल्दी यहाँ हम डाल देंगे, जिससे बिल्कुल इसका कस्टर्ड का कलर आएगा। मैंने जो यहाँ इंस्टेंट कस्टर्ड मिक्स बनाया था, इस दूध में इसे डाल देंगे और इसे बॉईल करेंगे। जैसे ही आप दूध में डालेंगे, कस्टर्ड मिक्स ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। बॉयल आने के बाद बिल्कुल ये गाढ़ा हो जाएगा। इसका थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने केसर सिरप यूज़ किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, पर केसर से थोड़ा इन्हेंस फ्लेवर आता है। इसमें हम 2 चम्मच केसर वाटर डाल देंगे। हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है और स्वीटनेस के लिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी डाल दें। मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच चीनी डाला है। मिल्क पाउडर ऑलरेडी मीठा होता है, तो अपने स्वीट जो आप स्वीटनेस पसंद करते हैं उतना मीठा आप डाल दें और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो गया है, इसे एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। एक बर्तन में मैंने निकाल लिया कस्टर्ड को। यहाँ पे मैंने अनार, अंगूर और केला लिया है। आपको वो भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है। इस कस्टर्ड में हम सारे फ्रूट्स को मिक्स कर देंगे। फ्रूट्स मिक्स करने के बाद इसे आप 2 घंटे फ्रीजर में डाल दें या फ्रिज में रख दें, जिससे ये ठंडा हो जाएगा और काफी टेस्टी लगेगा इसे खाने में। ये बिल्कुल ठंडा हो गया और फ्रिज से मैंने इसे निकाल लिया है। बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट आया है। इसे हम सर्व करेंगे। आप इसे बोल में सर्व करें। थोड़े से फ्रूट्स मैंने रख लिए थे, ऊपर से आप इसे डाल दें। और ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे और थोड़ा डेकोरेट कर लें और सर्व करें। अगर मेरी रेसिपीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाय बाय।